2024 के चुनाव से पहले मोदी के लिए आई अच्छी खबर। मुसलमान भी लुटाने लगे, अब मोदी की भाजपा पर प्यार। हुसैन ने वाम पंथियों का गढ़ भेद कर लहरा दिया भगवा। कौन है तफज्जल हुसैन जिसने लहरा दिया जीत का भगवा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। यानी मोदी सरकार का एजेंडा ही यही है, किसी से भेदभाव नहीं करना, सबका विकास करना, सबको साथ लेकर चलना और सबका विश्वास जीतना। सरकार के इस एजेंडे पर लगता है अब देश के मुसलमान भी भरोसा करने लगे हैं। तभी तो जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, और टिकट देती है तो वो मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं और उसके उम्मीदवार को वोट नहीं देते। बीजेपी विरोधियों की ओर से पिछले कई सालों से फैलाए जा रहा ये भ्रम जाल आखिरकार टूट ही गया और 5 सितंबर को हुए उपचुनाव में बीजेपी ने तफज्जल हुसैन को टिकट देकर मैदान में उतारा और यही तफज्जल हुसैन वामपंथियों के गढ़ में भगवा लहराने के साथ उन लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जो मोदी और उनकी पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाया करते हैं। दरअसल 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और 8 सितंबर को इन सीटों के नतीजे आए, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से जहां पार्वती दास ने जीत हासिल की, तो वहीं त्रिपुरा की 2 सीटों में से धानपुर विधानसभा सीट पर बिंदु देवनाथ ने जीत का परचम लहराया, जबकि बोक्सा नागर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया, क्योंकि इस सीट पर पहली बार बीजेपी के किसी मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल की। और इतिहास रचने वाले इस बीजेपी नेता का नाम है तफज्जल हुसैन, जिसने 34,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत हासिल की, जबकि वामपंथी पार्टी CPIM के उम्मीदवार ने महज 3,909 वोट पाकर बुरी तरीके से चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार तफज्जल हुसैन की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, बोक्सा नगर और धानपुर विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को भारी जीत दिलाने के लिए मैं त्रिपुरा की जनता का हृदय से आभारी हूं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा को एक समृद्ध राज्य बनाने में हमारा संकल्प और मजबूत होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी और CM माणिक शाह को इस महान जीत के लिए बधाई। त्रिपुरा के CM माणिक शाह ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये उत्कृष्ट जीत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर पूर्व के निरंतर विकास और शांति का प्रतिबिंब है। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास का एक सच्चा उदाहरण है। मैं धानपुर, बोक्सा नगर और पूरे त्रिपुरा के लोगों की ओर से अपना धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, लेकिन बोक्सा नगर सीट पर बीजेपी की ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि इस जीत के बाद तफज्जल हुसैन त्रिपुरा बीजेपी के पहले मुस्लिम विधायक बन गए हैं। तो वहीं जिस बोक्सा नगर सीट पर तफज्जल हुसैन ने जीत हासिल की है, वो सीट वामपंथियों का गढ़ भी रहा है। यहाँ पिछले 20 सालों से वामपंथी पार्टी का विधायक ही रहा है। यहाँ तक कि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी CPIM ने ही जीत हासिल की थी और समसुल हक विधायक बने थे, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से इस सीट पर दोबारा उपचुनाव हुआ और इस बार बीजेपी ने वामपंथियों का गढ़ बोक्सा नगर में जीत हासिल कर पूरी बाजी पलट दी।
आपको बता दें कि बीजेपी ने इसी साल मार्च में हुए विधानसभा सीट में इसी सीट से तफजुल हुसैन को टिकट दिया था, लेकिन उस वक्त तफजुल हुसैन चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने वामपंथी उम्मीदवार को मात देकर अपनी हार का बदला ले लिया। जब बीजेपी ने उखाड़ फेंकी वामपंथी सरकार, वामपंथी पार्टी सीपीआईएम ने जिस बॉक्सो नगर सीट पर पिछले 20 सालों से कब्जा जमाया हुआ था, बीजेपी नेता तफजुल हुसैन ने जहां उस सीट पर वामपंथी उम्मीदवार को हराकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं इससे पहले साल 2018 में पहली बार बीजेपी ने त्रिपुरा में 25 सालों से जड़े जमा चुकी वामपंथी पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था और पहली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। 5 साल बाद 2023 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आया तो इस बार भी वामपंथी पार्टियों की एक नहीं चली और बीजेपी ने 60 सीटों वाले त्रिपुरा में 33 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। बहरहाल पहले बीजेपी ने जहां वामपंथी दलों की सरकार उखाड़ फेंकी तो अब वहीं तफजुल हुसैन ने बॉक्सो नगर सीट पर वामपंथियों का 20 साल पुराना किला भेदकर भगवा लहरा दिया। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही पसमांदा मुसलमानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीनों पहले मध्य प्रदेश में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमांदा मुसलमान भाई बहन है ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमांदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमांदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमांदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमांदा भाई बहन है जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमांदा मुसलमान मोची होते हैं, बिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने के में
उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए, जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी।